गार्डन। आज मैं टिकोमा प्लांट पे बात करूँगी। देखिए, मैं एक महीने पहले वीडियो अपलोड की हूँ, एक महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं और देखिए फिर से ये ब्लूम करने लगे। बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं और अभी मैं अपने गार्डन की सफाई कर रही हूँ। तो इन्हें मैंने एक किनारे कर दिया है। जिस जगह पे ये प्लांट मेरे थे उस जगह से मैंने हटा करके किसी और जगह पे रख दिया है। तो देखिए कितने सारे इनमें फ्लावर्स आ गए हैं और कैसे आए हैं ये भी मैं बता रही हूँ। इनकी मिट्टी की मैंने गुड़ाई की अच्छे से और इन्हें मैंने ऐसी जगह पे रखा है, 2-3 घंटे की धूप लग रहे हैं। जहाँ पे रखे हुए थे वहाँ पे पूरे दिन की धूप लगते थे, लेकिन यहाँ पे 2-3 घंटे की धूप लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें फ्लावर जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि मैंने इनकी मिट्टी की गुड़ाई की अच्छे से। जितने भी अगल बगल रूट्स थे उनको मैंने तोड़ दिया, जो जड़ें थे मैंने अच्छी तरह से तोड़ दिया और फिर इनमें मैंने 2 बार फर्टिलाइज़र किया। 2 बार मैंने खाद दी, सरसों की खली, नीम की खली का, और वर्मी कंपोस्ट भी दिया। तो देखिए कितने सारे फ्लावर आए हैं। तो अगर आपके टिकोमा प्लांट पे फ्लावर नहीं आते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कीजिए, जो अगल बगल जड़े होते हैं एक्स्ट्रा उनको अच्छी तरह से तोड़ लीजिए, फिर इनमें खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट या फिर सरसों की खली, नीम की खली का लिक्विड तैयार करके दीजिए, तो बहुत सारे इनमें फ्लावर्स फिर से आ जाते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। तो मेरे प्लांट में देखिए कितने जल्दी से आ गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ाई की है, वो भी आपको दिखा रही हूँ। अगल बगल की जितने भी जड़े थे मैंने तोड़ दिए हैं और ये 3 के 1 डिब्बे में लगे हुए हैं। और मैंने बताया है एक वीडियो में, एक महीने पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल में, ये मेरा प्लांट बहुत पुराना है, करीब इनको 6-7 साल हो चुके हैं मेरे गार्डन में। और ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी नहीं है प्लांट। ड्वार्फ वैरायटी आते हैं वो छोटे से ही प्लांट होते हैं, बहुत घने प्लांट होते हैं। और ये जो है ये भी एक घना प्लांट होता है, लेकिन इनकी जो टहनियाँ हैं खूब लंबे लंबे होते हैं। तो ड्वार्फ वैरायटी गमलों में लगा सकते हैं और ये जो प्लांट है आप ज़मीन पर लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये घने हो जाते हैं प्लांट। और तो मैंने इनको 3 के डिब्बे में 6-7 साल पहले लगाया था। इस प्लांट को भी आप पॉट में लगा सकते हैं। अगर आपको इनकी हाइट नहीं चाहिए तो प्रूनिंग करते रहिए तो घने ये प्लांट हो जाते हैं और ज़्यादा हाइट भी नहीं जाती है। इस प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, बस आप खाद इन्हें देते रहिए, हर 20-25 दिन पे खाद देते रहिए तो ये अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और खूब सारे फ्लावर्स भी देंगे। रुक रुक के इनमें फ्लावर्स बहुत सारे आते रहते हैं। तो इस प्लांट को ग्रो करिए, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर प्लांट है। और पॉट में अगर आप लगाते हैं तो वेलरेंस सॉइल में लगाइए, भुरभुरी मिट्टी में लगाइए। 1 हिस्सा मिट्टी लीजिए, 1.5 हिस्सा खाद लीजिए और आधे हिस्से में रिवर सैंड जिन्हें रेत कहते हैं, इन सभी को मिला लीजिए। मिला के भुरभुरी मिट्टी तैयार करके तब इस प्लांट को लगाइए। और बारिशों में इनके कटिंग इजली लग जाते हैं, तो अगर आपके पास प्लांट ये नहीं है, अगर कहीं से आप बारिश में कटिंग ला के लगा देंगे तो इजली लग जाते हैं। और ये मेरा जो प्लांट है ये कटिंग से मैंने ग्रो किया हुआ है, मैंने नर्सरी से नहीं लाया है इनको। और डेली ही इन्हें पानी देते रहिए। अगर 1-2 दिन आप पानी भी भूल जाते हैं तो ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन पॉट में हम लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। और मैंने बताया ही 20-25 दिन में खाद दीजिए और कोई अगर कीड़े लगते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए तो अच्छे से ये आपके प्लांट चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत इनमें फ्लावर्स आते हैं, बंच में आते हैं, इन्हें लगाइए। और इस प्लांट को आप फुल धूप में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। हाँ, मई जून में थोड़े से प्रॉब्लम आती है, इनकी पत्तियाँ थोड़े से जल जाते हैं दोपहर की धूप में रखने से। अगर हम पॉट में लगाते हैं तो, अगर हम ज़मीन पे लगाते हैं तो ये तो पूरे दिन की धूप में ही चलने वाले फ्लावर प्लांट है,
जो भी फ्लावर प्लांट होते हैं उन्हें धूप की ज़रूरत होती है तभी फ्लावर्स आते हैं। तो देखिए अगर खाली जगह होता तो मैं वहाँ पे ला के अच्छे से दिखा पाती, लेकिन अभी इस टाइम मैं सफाई कर रही हूँ अपने गार्डन की, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो खाली जगह कहीं है ही नहीं है कि मैं इनके पॉट को उठा करके अच्छे से दिखा सकूँ। और ये प्लांट बहुत ही बड़ा है और जो टीन का डब्बा है बहुत ही हैवी है जिन्हें मैं बहुत मुश्किल से उठा पाती हूँ, लेकिन मैं अच्छे से दिखा पा रही हूँ आपको। अगर खुली जगह पे होते तो और भी अच्छे से दिखा पाती। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत सारे लंबे लंबे टहनियाँ हो गए हैं। अब मैं इनमें जब फ्लावर्स आना बंद हो जाएंगे तो मैं इनकी कटिंग कर दूँगी या फिर फरवरी में करूँगी कटिंग। उस टाइम इनकी ग्रोथ टाइम होती है तो उस टाइम ये जब भी कटिंग करूँगी तो जल्दी से ग्रोथ इनकी आ जाएगी, नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे और ये प्लांट और भी ज़्यादा बुशी हो जाएंगे और हाइट से थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।